चले ऊपर की पॉलिसी एक मतलब तरीके से आया जा सकता है, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ये संघर्ष समिति अगर पेंशन बहाली के मुद्दे पर बनती है तो निश्चित तौर पर इससे बड़ा कदम कुछ नहीं हो सकता। उसी ने कहा कि अल्पानी कुमार पर बार बहुत बड़ी आवाज यहाँ से आती है और इतने बड़े तादाद में चार पांच संगठन यहाँ है, अभी केवल एजुकेशन से संबंधित यहाँ पर है, उसके बाद अन्य बहुत सारे ग्राम पंचायत स्तर पर खेल विभाग तमाम सारे लोगों पर बहुत सारे विभाग ऐसे जिनके पदाधिकारी आई है, तो वो जो अस्थायी संघर्ष समिति यहाँ पर बनाई जाए बिना विचार किया है अस्थायी संघर्ष समिति उसको स्थायी न कहा जाए, अस्थायी संघर्ष समिति यहाँ पर बनाई जाए पंचायत ने कहा कि उस संघर्ष समिति को दायित्व होना चाहिए कि पहले अन्य संगठनों से कोऑर्डिनेट करें और कोऑर्डिनेट करके उसको जोड़े वो संघर्ष समिति, फिर उसके बाद चाहे आप छोटे पार्क में बैठे या कहीं भी बैठे, मेरा ऐसा सुझाव है वो उसको इस बैठक के बाद और एक और बृहद बैठक आप यहाँ पर कीजिए और उसमें सारे संगठनों के पदाधिकारी शामिल हो, तो उसके बाद वहाँ पर एक संघर्ष समिति को आप स्थायी संघर्ष समिति को आगे ले जा सकते हैं। और ये जो संघर्ष समिति है निश्चित तौर पर मेरा मानना है अगर ये हो गया, पहले तो यहाँ पर इतने लोगों को जोड़ना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, अभी आपने कहा कि सबके झंडे डंडे बहुत बड़े होते हैं और पदाधिकारी भी बहुत बड़े होते हैं, तो निश्चित तौर ये सही बात जो मतलब ऐसा है ये सही है, ये हकीकत ऐसे कहने में तो दुरुस्त है, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं अपने ईगो से थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा हमें मन में पहले भाव पैदा करना पड़ेगा कि अगर हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं बहाली के लिए तो वहाँ पर अपने अपनी लड़ाई अपने संगठनों में लड़ाई किया जाए, अपने अपने लोगों का चुनाव भी उससे संबंधित भी बहुत सी चीजें आएंगी, हमारे दो प्रांत के चुनाव आगे हुए हैं तो उससे संबंधित भी बहुत सारे ऐसे पक्ष आ जाएंगे कि भला हो भला ये, लेकिन आप हर चीज को त्यागिए और त्याग के साथ पेंशन बहाली का संकल्प लीजिए, संघर्ष समिति का गठन कीजिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी आवाज जाएगी।